हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हाइपरटेक में आप लोग का स्वागत है। क्या है कि ये एक्सपोनेंट एंड पावर का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इस पे कोई भी वीडियो नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो कोई भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक्सपोनेंट एंड पावर का सारे वीडियो के लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके पहले ये भी बात जान लीजिए कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैंने अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा तो मैंने आप लोग को बताया होगा कि ये वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ईजी भी होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग 30.3 का 1, 2, 3 तक मैंने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पूरा A to Z कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन को कर लिया है। अब लोग ये फोर्थ वाला ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको करने के बाद हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर को खत्म कर देंगे। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इसमें जो नंबर दिख रहा है, अपियर हो रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट में, उसको हम लोग किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आप लोग भूलिए कि क्या है, क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखा है, ए वाला पे आते हैं। ए लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इन इतना। तो आप लोग पढ़ने भी, मैं भी नहीं पढ़ पाया, मैंने भी इतना बोला क्योंकि पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो क्या करेंगे, फटाक से बोलने के लिए हम लोग इतना बोल दिया मैंने। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करेंगे इस नंबर को लिख लेंगे। ए करते हैं और नंबर को लिखते हैं, ए करते हैं और नंबर, ए तो ए वाला है तो नंबर क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका नंबर लिखा हुआ है। तो ये नंबर लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, बहुत ईजी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ कैसे किया जाता है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ तो इसको आप लोग कर लेंगे, बस कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, 3.84 × और उसके बाद क्या करेंगे, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मीटर है। इससे मतलब नहीं है, कितने डिजिट है, 8 डिजिट, 10 to the power 8, ये आपका आंसर हो गया, समझे। अब लोग आंसर को मिलाते चलिएगा, और हाँ यहाँ पे साथ में मीटर लगाते भी चलिएगा, इसका जो है अच्छा पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम इज इतना मीटर पर सेकंड बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे। तो आइए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यही लिखा हुआ था, मैंने इसी को लिख दिया मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है, यूनिट के साथ मैंने लिख दिया। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 × 3.0 भी लिख सकते हैं, 3 × 10 to the power कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू हो ही गया है अब मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे और एक चीज़, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको 3.0 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इस तरह इसको लिख देंगे, ये आप लोग का क्या होगा, आंसर हो गया। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वो तीजी है, आइए देखते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ इज इतना मीटर, ठीक है, अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ इज इतना मीटर। तो इससे देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखने से क्या होता है कि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आइए हम लोग करते हैं और सी वाला क्वेश्चन को आराम से करते हैं। दोस्तों ये देखिए आपका सी वाला है, तो सी वाला में ये भी बहुत ही, ये सबसे पहले क्या करेंगे, 1.2756 × 10 to the power कितना हो जाएगा पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to the power 7 मीटर। इसका यूनिट लगाते चलिएगा, जिसका जो भी यूनिट दिया होगा आप लोग लगाते चलिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, 1.2756 × 10 to the power 7 मीटर, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये दिखाता हूँ मैं आपको बुक से, आप लोग बुक से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, डायमीटर ऑफ सन इज, अभी फिलहाल किसका था, अर्थ का था, अब क्या हो गया, अब सन का हो गया, तो सन का भी निकाल ही देते हैं, बहुत ईजी है। इसी पे करता हूँ नीचे डी वाले को। तो दोस्तों देखिए क्या है, मैंने अभी क्वेश्चन को लिख लिया, क्वेश्चन को लिखने से पहले, मैं इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ जितने लोगों ने अभी चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, चारों तरफ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, ठीक है, कि जिसको जिसको भी लगे कि नहीं उनको वीडियो की आवश्यकता है, उनको इस चीज़ की आवश्यकता है, वो पहुँच सके, उन सबके पास पहुँच सके। तो आइए इसको करते हैं।
इसको कैसे करेंगे, 1.4 कर देंगे, बस वह पॉइंट लगा देंगे इनटू 10^10 क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट से काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10^9 क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी लिख देंगे मीटर। बस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ई वाला, इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज इतना स्टार। तो आइए इसको भी कर डालते हैं, क्या आ जाता है करने में अपना, फटाक फटाक से करते चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को। तो दोस्तों देखिए ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं, कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ, बहुत ईजी। आप लोग का अब तो आ गया होगा, आप लोग फटाक से, मेरे ख्याल से आप लोग का तो पूरा हो भी गया होगा। वन पॉइंट, पॉइंट क्यों लिखेंगे, 1 × कितना 10^2, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 8, 3 कितना हो जाएगा 11^11 स्टार, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ में करते रहिए, ये स्टार मैं खुद से लिखा हूँ, ये कोई यूनिट नहीं है, मैं लिख दिया इसी तरह। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट इतना ईयर ओल्ड। तो आइए इसको भी कर डालते हैं, इसको ओल्ड में गोल्ड बना देते हैं। तो दोस्तों देखिए इस ओल्ड को गोल्ड बनाना है, इसलिए मैंने वीडियो को रोक के मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिया। क्यों क्वेश्चन को मैं वीडियो रोक के लिखता हूँ, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सबका टाइम क्या होता है, कीमती होता है। तो इसको करते हैं, क्या करेंगे 1.2 × कितना कर देंगे पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 × 10^10 ये आपका आंसर आ गया फटाक से, क्या एकदम मज़ेदार आंसर आ रहा है और फटाक फटाक से आ रहा है। तो ई एफ हो गया, आप जी पे आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम सेंटर ऑफ। तो देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या वीडियो रुक गया था, कट हो गया था, इसकी वजह से मुझे फिर से करना पड़ा। देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी एस्टिमेटेड भी इतना है। तो सबसे क्या करेंगे, बस क्वेश्चन को मैं आप लोग लिखते चलिए, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या क्या क्वेश्चन को लिख दिया, क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या करेंगे, बस उसी तरह करेंगे 3 × 10^10 कितना हो जाएगा 2, 3, 8, 5, 3, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, 17, 3, 20 ये आपका हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और यहाँ पे मीटर यूनिट इसका है तो लगाना जरूरी है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला, इतना मोलिकुलर आर कंटेनिंग इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर वेट इज 1.8 ग्राम। तो आप क्या करेंगे इसे, तो आइए करते हैं। तो देखिए क्या क्या, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख लिया, ये इसको आप लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे 6.023 × कितना कर देंगे, ये काउंट करने के बाद कितना आ रहा है 10^10 कितना आ रहा है, ये काउंट करते हैं 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 15, 3 × 6 = 80, 80 × 3 = 80 और 4 कितना होता है 22, ये आपका कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एफ हो गया। अब आते हैं ई एफ जी, एफ क्या होता है, एफ हुआ है क्या, ई एफ जी एच हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, एच के बाद अब हम लोग इसके इस पे आते हैं, आई पे आते हैं, द अर्थ है जितना क्यूबिक सेंटीमीटर क्या है किलोमीटर ऑफ सी वाटर। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आइए कर डालते हैं इसको भी फटाक से और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और तो सबसे पहले क्या क्या मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, तो आइए अब हम लोग इसको करते हैं। तो क्या करेंगे 1.353 × कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 × 10^9 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जे पे, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए एक्सरसाइज के साथ और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट इतना इन मार्च 2001। तो इसको हम, मैंने क्या क्या क्वेश्चन को लिख लिया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन। तो इस वाले हम लोग करते हैं, क्या हो जाएगा 1.027 × कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 × 6 = 9 × 10^9 यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसका न्यू चैप्टर के साथ। आप लोग, अगर आप लोग को कोई पसंद चैप्टर आया तो जरूर कमेंट करके बताइए।
ओके, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ? वैसे मैं रिलेशन फंक्शन फर्स्ट चैप्टर से मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंटीजर से। ओके, थैंक यू।